जी के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी। दौड़ जी के बारे में हमने क्या बात पढ़ी थी? हमने दौड़ जी के बारे में ये बात पढ़ी थी कि वो नागणा से नागणा जी माता की मूर्ति लेकर आए थे और उसे अपने यहां पर स्थापित करवाया था। ऐसी कोई बात पढ़ी थी हमने? चलो दौड़ जी, अरे यार कमेंट कितने करोगे रे तुम, मैं इसको बंद कर रहा हूं कमेंट वाले सेक्शन। दौड़ जी, वरना फिर कहानी सुनाने में क्या मजा आएगा, क्या पढ़ोगे आप कमेंट कमेंट लगे रहते हो इधर। बंदर के हाथ में उस्तरा देना है आपको, कमेंट वाला बॉक्स देना, आपके तो कमेंट में सब ब्लॉक किए जाए, ताकि क्लास में ध्यान तो दो। ऑफलाइन क्लास में बैठे होते तो वैसे करते हो क्या? चुपचाप बैठ के पढ़ते नहीं हो? यहाँ पता नहीं आपके देखते क्या हो जाता है, आपको लगता है मेरे पास मोबाइल है, मैं बता दूंगा इनको कमेंट क्या होता है। सुनो तो बात कि जो मारवाड़ में अपने दौड़ जी पढ़ते हैं, राठौड़ वंश के राजा, जो नागणा जी माता की मूर्ति लेकर आए थे, उनके छोटे भाई थे धांदल जी। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा दौड़ के छोटे भाई है धांदल जी, बाबू जी उनके बेटे हैं। तो देख लो मैंने बाबू जी के नाम क्या लिखा, बाबू जी राठौड़, क्योंकि बाबू जी मारवाड़ के राठौड़ वंश से बिलोंग किया करते थे। ऐसी कहानियां हैं कि बाबू जी की जो मम्मी थी वो परी थी, एक अप्सरा थी। कहते हैं भाई परियां आसमान में रहती है पर वो कभी कभी धरती पर घूमने के लिए आती है। यूं कभी उनका जी कर जाए इतना वॉक करके आते हैं तो अपने धरती पर आते, पर वो रात के टाइम आती है। क्यों रात के टाइम क्यों आए? कि दिन के टाइम में जाएंगे तो लोग देख लेंगे, और यदि उनको कोई लोग देख लेते हैं तो कहते हैं वापस नहीं जा पाती, फिर उनको यहीं पे रहना पड़ता है, इसलिए वो रात के टाइम में उतरती है। एक बार ऐसे ही कोई एक परी थी, वो रात के टाइम धरती पर उतरी, गलती से हेलीकॉप्टर गलत जगह लैंड कर गया, मारवाड़ में उतर गई। गर्मी पड़े भाई भयंकर वाली, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। वो एक तालाब के पास उतरी, उसे लगा यार गर्मी से बचने के लिए क्या किया जाए, तो तालाब में नहाने लग गई। धांदल जी वहां से अपना घोड़ा लेके नाइट में गुजर रहे थे, मारवाड़ में रहते थे। घोड़े को प्यास लगी, धांदल जी को पता था यहाँ पास में तालाब है। धांदल जी घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास ले गए, और जैसे ही धांदल जी तालाब के पास पहुंचे क्या देखते हैं, वो स्टेच्यू हो गए धांदल जी तो पूरे। उस परी का थोड़ी देर में ध्यान गया कि मुझे कोई आदमी लगातार एक टक देख रहा है। उस परी ने देख कर कहा कि मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांदली कर रहे हो, ये गलत काम है, इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। धांदल जी ने कहा मेरा नाम धांदल जी है, ऐसे ऐसे घोड़ा लेके जा रहा था यहां से, मैं तो घोड़े को पानी पिलाने लेके आया था, पर उसने कहा पर अब मेरे चक्कर करवा दिया ना, मेरे को कोई आदमी देख लेता तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी अब आसमान के अंदर। धांदल जी ने कहा कि कौन कह रहा है वापस जाना है? धांदल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी के पास भी और कोई चारा नहीं था, परी धांदल जी से विवाह कर लेती है, पर अपनी दो शर्तें रखती है। वो कहते मेरी दो शर्त है, बताओ क्या शर्त? एक शर्त तो यह है कि मेरे लिए अलग महल बनवा के देना पड़ेगा। धांदल जी का डन, और का एक शर्त यह है कि उस महल में विदाउट मेरी परमिशन कोई एंट्री नहीं लेगा। धांदल जी का पक्का। अब भाई धांदल जी ने उसके लिए महल बनवा के दे दिए, जो भी जाता उनकी परमिशन से जाता, और कहते हैं निश्चित समय पर परी के लड़का हुआ, लड़के का नाम रखा गया बाबू। तो कहते बाबू जी बेहद हैंडसम थे, बाबू जी बहुत सुंदर थे, मम्मी पे चले गए होंगे। धांदल जी पे जाते तो फिर तो डील के डाकी टाइप किस टाइप के होते, इधर तो मारवाड़ का आदमी कैसा होता है, पक्का रंग लिया हुआ एकदम पैदा होते, भगवान का सेक सेक के भेजा हुआ होता है। अब परी के बैठते तो यूं हैंडसम थे बाबू जी, शरीर में तो रंगड़ आदमी थे। कहते हैं एक दिन धांदल जी अब भूलवश जानबूझ के बिना अपनी उस रानी से पूछे, बिना उस परी से पूछे महलों में चले गए, और उस दिन वो महलों में गए तो क्या कोटक देखते हैं कि वहां पर एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही है। अरे ये क्या है? और जैसे उस शेरनी ने धांदल जी को देखा, शेरनी ने रूप परिवर्तन किया, वो परी बनी, और उसने कहा मिस्टर धांदल जी मैंने इसीलिए मना किया था कि कभी भी इन महलों में मेरे से बिना पूछ के नहीं आना, क्योंकि मैं परी हूं, मेरे पास शक्तियां हैं कि मैं जब भी यहां पे अकेली रहती हूं तो मैं अपना रूप परिवर्तन कर लेती हूं, और चूंकि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया अब मैं यहां पर नहीं रहूंगी, अब मैं यहां से जाऊंगी। एक मम्मी के अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, थोड़ा बड़ा हो जाए
तो उसे अपने पीठ पर झुलाए, कंधों पर खिलाए। अब मैंने थोड़ा बड़ा तो कर दिया लेकिन पीठ पे झुला नहीं सकी, कंधे पे खिला नहीं सकी, अब तुम जानो तुम्हारा काम है। परि तो सुमंत्र होगी। दानदल जी के एक और रानी थे कमला देख, कहते उन्होंने बाद में पापू जी का पालन पोषण किया था। तो ऐसी कहानी है कि पापू जी की वास्तव में तो मम्मी परी थी, पर चूंकि पालन पोषण कमला दे ने किया था, हम तो उनकी माता कमला दे को ही मानते हैं। पापू जी की रानी थे, उनका नाम था फूलम दे। दोनों नाम आते हैं, फूलम दे नाम भी आता है और उनका एक नाम और आता है, उनका नाम आता है कि सुप्यार दे। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है।